आज हम आए हैं बॉग जोन जो कि मुंबई में है, एक अम्यूजमेंट और थीम पार्क। आप बच्चों को मॉल्स वगैरह लेके जाते हो तो मॉल्स की जगह आप यहाँ पे ला सकते हो। 50 रुपीज एंट्री टिकट। ये पूरा सेल्फी जोन है। बच्चा डर रहा है दोस्तों, बच्चा डर रहा है। भारी भरकम वाली वाइब है पूरा, अगर देखोगे सारे खाने के आउटलेट्स है। नया दिन नई शुरुआत, कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द जिंगार गर्ल ब्लॉग्स पे। आशा करती हूँ कि आप लोग टनाटन होंगे। मैं तो एकदम ही ज्यादा मस्त हूँ। आज ब्लॉग की शुरुआत जो है थोड़ी सी इवनिंग के टाइम पे हो रही है, बिकॉज हम आज ऐसे ही कुछ एक्सप्लोर करने और ऐसी ही कुछ मस्त सी चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज हम आए हैं बॉग जोन जो कि मुंबई में है, और कहाँ पे है, कैसे पहुँचना है, क्या कुछ चीज़ें हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। बॉग जोन एक अम्यूजमेंट और थीम पार्क है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, कुछ नई चीज़ है, कुछ मस्त चीज़ है, तो मज़ा आएगा एक्सप्लोर करने के लिए। चलो दोस्तों, हमने टिकट जो है ले लिए, 50 रुपीज एंट्री टिकट है या इस अम्यूजमेंट पार्क या तो फिर थीम पार्क जो भी कह लो बॉक्स जोन की। ये रही पार्किंग, तो आप अगर आपकी गाड़ी वगैरह लेके आते हो ना तो 2-व्हीलर की पार्किंग है कुछ 30 रुपीज, एंड उस तरफ है 4-व्हीलर एंड उसकी पार्किंग है 50 रुपीज। अभी जो भी देखा यहाँ पे खड़े खड़े, ऐसा लगता है कि आप बच्चों को मॉल्स वगैरह लेके जाते हो तो मॉल्स की जगह आप यहाँ पे ला सकते हो, तो ये मॉल्स का ही सेकेंड वर्जन है ऐसा समझ लो। चलो अंदर चलते और देखते हैं क्या कुछ है, मजा आने वाला है। तो यहाँ से कुछ एंट्री है ऐसी, तो पानी की बोतल लाई थी दोस्तों मैंने, यहाँ पे रखवा लिया है इन्होंने, और जब प्यास लगेगी मुझे आके यहाँ पे पानी पीना है। सो एंट्री कुछ ऐसी है दोस्तों, फूड कोर्ट, यहाँ पे सारा खेलने वाली चीजें, एक एक जो है एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जितना कुछ पीछे दिख रहा है ना, मतलब एंटर करते ही ये पूरा सेल्फी जोन है, मतलब आपके 50 रुपीज के टिकट के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप मस्त मस्त वाली सेल्फीज क्लिक कर सकते हो यहाँ पे, यानी कि फोटोज क्लिक कर सकते हो। एक साइड दिखा जहाँ पे आप आपके ड्रीम्स लिख सकते हो। वाव यार, मुझे अभी भी याद है बचपन की स्टोरी, मैं 2-2 रुपए पे करके ना साइकिल लेके घंटे के लिए मतलब ऐसे चलाती थी। वाव यार, बहुत दिनों के बाद आज मिली है साइकिल। तो ये जो एरिया था जहाँ पे हमने फोटोज बहुत सारी खींची, वहाँ पे ये बच्चों के लिए है आइटम्स, बस 3 राउंड घुमाएगी 100 रुपए, एंड ये जो आपको दिख रहा है ना ये 2 राउंड 100 रुपए, प्लस वो बाइक्स जो है सुपर बाइक्स वो भी 2 राउंड 100 रुपए, एंड ये एक और ट्रेन है ये भी 3 राउंड 100 रुपए। मतलब ये वाली जो बस है ना, इसमें आप अपने बच्चों के साथ में भी बैठ सकते हो, मतलब काफी पेरेंट्स जा ही रहे हैं। आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा कि पलटी वल्टी ना कर लो आप बस। वो वाला एरिया जो है एक्सप्लोर किया, अब यहाँ पे गोला वगैरह मिल रहा है, और बाकी यहाँ पे स्प्रिंग पोटैटोज है, कैंडी फ्लॉस है, और भी यहाँ पे पॉप्सिकल्स वगैरह भी मिल रहे हैं चीज़ें। मसाज हो रहा है यार मस्त। चलो वो भी देख लेते हैं, प्लस वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें वो देखते हैं। द आर्ट एंड द आर्टिस्ट कितने का है वैसे? 550 चार। बच्चा डर रहा है दोस्तों, बच्चा डर रहा है, नहीं करना है उसको डर गया बच्चा। फोटो क्लिक नहीं करते हैं, सीधा वीडियो बनाते हैं, तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सा सेल्फी जोन है यहाँ पे। यहाँ पे ना रोबो फुटबॉल जोन है, रोबो क्रिकेट जोन भी है, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो अगर खेलना है तो। भाई यहाँ पे जितने भी गेम्स है ना दोस्तों, उनके प्राइजेस एक बार आप लोग देख लो। हाँ भैया, इसका कितने राउंड्स? एक बच्चों का, ये अच्छा वो बड़ों का भी है क्या? सही है, तो ये भी एक मस्त ऑप्शन है। कितने लोगों का बोलते हैं ना ड्रीम होता है एक घर में होना चाहिए, मस्त आपको यहाँ पे मिल जाता है,
ट्राई कर सकते हो। वैसे मॉल वाला गेम यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, यहाँ पे भी मसाजर की सुविधा है। सही है, ये है बी जोन। अगर आपने टिकट ली है तो ही आप अंदर जा सकते हो। तो ऐसा कुछ है बी जोन का नजारा। एज लिमिट है क्या कुछ बच्चों का? नहीं ना, कोई भी जा सकता है ना। अच्छा, उसका क्या है प्राइस? उनका 300 उससे सारा कुछ है, अनलिमिटेड टाइमिंग। अच्छा, एक पेरेंट अलाउड है अगर एज 3 के अंडर है आपके बच्चों का तो। और जोन बी जो है वो 300 है, अनलिमिटेड गेम्स आप खेल सकते हो। तो चलते अब खाते हैं कुछ, बिकॉज हम तो वैसे भी राइड्स कुछ एंजॉय करने वाले हैं तो कुछ खा ही लेते हैं ना। वैसे हमें म्यूजिक चल रही है बड़ी जोर जोर से, तो शायद ही कुछ हम बात कर पाएंगे, लेकिन जो भी जैसा भी खाएंगे ना वो दिखा देंगे। तो यहाँ पे गोला जो है 50 रुपीज का है, तो आप समझ लो कि यहाँ पे चीजें कितना, मतलब क्या प्राइसिंग होगी। वैसे भी यार ऐसी सब जगह पे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता ही है। मैं जो खाऊंगी उसकी प्राइस बता दूंगी। कल बहुत ज्यादा चल रहा है जो है, एक अच्छी सी क्लिप निकाल सकते हो, कुछ 50 रुपीज है शायद 1 मिनट का। अब एकदम भारी भरकम वाली वाइब है पूरा, अगर देखोगे सारे खाने के आउटलेट्स है और सारे लोकल आउटलेट्स ही मुझे दिख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन एकदम ना अरेंजमेंट किया हुआ है बैठने का यहाँ पे, एंड वहाँ पे शायद से डांस फ्लोर टाइप है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था, लाइव शो। यहाँ से फूड जोन में एंटर करते हो ना, तो यहीं पे टेबल पे मेन्यू रखा हुआ है। ये सारे आउटलेट्स का मेन्यू है, तो यहीं से जो है जो भी खाना है चूज कर लो, एंड यहाँ से कूपन ले लो और मस्त अपना फिर एंजॉय करो यहाँ पे इस खूबसूरत सी जगह पे बैठ के। तो ये कूपन मिला 170 रुपीज का अपना पिज्जा है, जो कि है फार्म हाउस पिज्जा, एंड हम खा रहे हैं पिज्जा यारी बर्गर से। पेमेंट के लिए कैश या तो फिर स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये है अपना पिज्जा, फार्म हाउस पिज्जा, जो कि 9 इंच का है। कहीं से भी मुझे 9 इंच टाइप तो लग नहीं रहा है, बट चलो कोई नहीं, एकदम थिन क्रस्ट है यार, कर लेते हैं एंजॉय अपना पिज्जा। एकदम चीजी चीजी, अच्छा है। तो पिज्जा खाया, पेट भरा नहीं, सोचा कि गोला ही मार लेते हैं, बिकॉज वैसे ही यार गर्मी से हाल आपको पता ही है। काफी अच्छा है गोला। हम जो है निकल रहे हैं घर के लिए। यहाँ का मेरा क्या एक्सपीरियंस है ये जानने के लिए आप लोग भी बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे, जरूर बताऊंगी। तो मैं आ चुकी हूँ घर के पास, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। बॉक्स जोन ऐसी जगह है जहाँ पे एंट्री फीस 50 रुपीज तो है, लेकिन हर एक राइड की अंदर 100 रुपीज है। मतलब थोड़ा सा कॉस्टलियर लगा मुझे, ऐसे आप रेगुलरली नहीं जा सकते हो, बट एट द एंड ये भी चीज़ है कि आप ऐसी जगह पे हमेशा तो नहीं जाओगे, है ना, कभी कभी जाओगे, तो कभी कभी स्पेंड करने के लिए अच्छी चीज़ है। बट देन बड़े लोग यानी कि कपल्स वगैरह है तो वो बैठ के वहाँ पे खा पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, वैसा वाइब ले सकते हैं, बिकॉज म्यूज़िक चलते रहता है नॉर्थ, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। प्लस अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को लेके जाओ, बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। लेकिन बच्चे आपको पता है एक राइड में बैठेंगे नहीं, उनको मल्टीपल राइड्स चाहिए होती है, तो हर राइड का 100 रुपये है। प्लस खाने की चीज़ें जो है स्टार्टिंग प्राइस कुछ 80-90 रुपीज़ से, यानी कि 80-90 के बर्गर्स वगैरह मिल जाते हैं, 50 का आपको गोला वगैरह मिल जाता है, तो ऐसी कुछ कॉस्टिंग है। पानी का बस एक अच्छा नहीं लगा कि अंदर पानी की बॉटल 15 रुपीज़ की है। पानी पता नहीं क्यों मना किया है, मतलब बच्चे बच्चे अगर लेके जा रहे हो तो पानी वगैरह नहीं रहेगा तो कितना इनकन्वीनियंस हो जाता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस मिक्स है, महंगा है बट ठीक है, इन्जॉयमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आपके बच्चे वगैरह तो आप जा सकते हो।
तो पहुंचना कैसे? बोरीवली स्टेशन से आपको एक्सर के पास आना है और एक्सर के एकदम नज़दीक है, मतलब सीधे सीधे चलते जाओ ना तो अंदर बॉक्स जोन है। अगर आप मेट्रो स्टेशन से आ रहे हो तो एक्सर उतरोगे और फिर सीधे अंदर चल के जाओगे और बॉक्स जोन है, मतलब बड़े बड़े बोर्ड्स वगैरह लगाया तो ईजिली आपको पता चल जाएगा। तो बस मेरा यही एक्सपीरियंस था आज के वीडियो के लिए, बस इतना ही। किसी भी वीडियो से वीडियो पसंद आया होगा, जिंगा दिल की सेवाई जारी रखनी है तो लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी, बाय बाय।